जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 अमित शाह जिंदाबाद, 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 पूना भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमारा स्टेट कॉर्नर चुनाव प्रचार का पहला कार्यक्रम ही आली बस्ती से शुरू था। वहाँ जाने का साथ हम लोगों का जो उत्साह लोगों का देखा गया भाजपा के प्रति बहुत अच्छा। वहाँ आले बस्ती 21229 पार्ट प्रयागपुर, उस जगह में हमारे जगदीश छेत्री जी के नेतृत्व में हमारे वहाँ के एक कर्मठ कार्यकर्ता है पदम बहादुर प्रधान बोल के, उनके नेतृत्व में 40 परिवार टीएमसी छोड़कर भाजपा में ज्वाइन किया। तो ये लोग पहले कौन से पार्टी से जुड़े हुए थे और 40 परिवार में कितने लोग थे? 40 परिवार 40 है या 40 परिवार में अगर अप्रोक्सली आप पकड़ लीजिए ना, प्रत्येक परिवार से 3 आदमी भी पकड़ते हैं तो 120 तो बनता ही है। तो ये लोग कौन कौन पार्टी से थे? ये सब टीएमसी थे। अरे उस लाइन में अब टीएमसी नहीं है साफ। देखिए ठीक बात बोला आपने, जब कोई चीज़ घटना घटती है तो उससे पहले एक इन्वायरमेंट बनता है। आज देखिए 2 चरण का मतदान हो चुका है 60 सीटों का, उसमें भारतीय जनता पार्टी 50 से ऊपर सीट में जीतेगी हमें आशा है, ये माहौल बता रहा है। इसी माहौल को देखकर हम हमारे पार्टी से सब पार्टी में सारे कार्यकर्ता जनता हमसे जुट रहे हैं कि उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में जीतेगी, ये लगभग 200% निश्चित हो गए। तो पुनः भेंगरा का जीत के बारे में आप लोग कितना श्योर हैं? ये देखिए पुनः भेंगरा जी का जीतना समय का इंतजार बस इतना ही है। अरे जयराज जी, आप लोग जब चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं, आपका श्रमिक संगठन यहाँ लगभग सभी चाय बगानों में है और 10 वर्षों के शासन काल में तृणमूल कांग्रेस ने जो यहाँ कार्य किया है उस पे उसके अपेक्षा आप लोगों को कितना रुझान मिल रहा है, लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए टीएमसी ने जो 10 वर्ष जो किया ये किसी से छुपा नहीं है। इन लोगों ने शासन के नाम में एक जबरदस्ती आदेश सौंपना, जबरदस्ती हुकूमत करना, ये तो सभी ने देखा है ना। अत्याचार का आदमी तराई तराई गांव में कहीं भी झगड़ा होता है, किसी कोई भी चीज़ लेके गंडगोल होता है, जब आदमी उत्पीड़न होता है तो कहाँ जाता है? पुलिस के पास में। जब पुलिस के पास में जाता है तो पुलिस, आप कौन से पार्टी से हो? बीजेपी से, आपका बात का सुनवाई नहीं होगा। आप टीएमसी से हो, आपका बात का सुनवाई होगा। ये तो हुआ है ना, आज पुलिस को हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं पुलिस मिनिस्टर थे, उन्होंने पुलिस को किस जगह पर ला के खड़ा कर दिया जो उनको आज इलेक्शन बूथ से 100 मीटर दूर खड़ा होने का आदेश दिया गया है। मैं समझता हूँ इसमें भारत पश्चिम बंगाल पुलिस का बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, पूरा पश्चिम बंगाल का बेइज्जती हुई है महात्मा ममता बनर्जी के कारण। जी आप आले बस्ती इलाके में आपका भी घर है, तो वहाँ पे जो आज ज्वाइनिंग हुआ ये कितने लोग किस किस पार्टी से थे ये और क्यों वो लोग शामिल? ये हमारे बानहाट टू ब्रैकपुर आले बस्ती पार्ट नंबर 21229 वहाँ के जितने भी अभी 40 परिवार ज्वाइनिंग किए हैं वो टीएमसी के थे। टीएमसी के जो अभी जो यहाँ जो अत्याचार शासन जो गटमनी जो घोटाला वाला जो ये राशन चोर सब देख उन लोग ने देख के उसके बाद आज में उन लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन खा रहे हैं। अरे जगदीश जी, आप जितने लोग जुड़े हैं उसमें से मशहूर कौन कौन लोग जुड़े हैं? जैसे वहाँ पे हमारे मशहूर थे पदम बहादुर प्रधान, प्रकाश छेत्री और महिला मोर्चा के थी ये दीपा प्रधान, उनके नेतृत्व में आज
ज्वाइनिंग किया गया। जायकेदार भोजन के लिए बीरपड़ा स्थित डॉल्फिन होटल मदारीहाट रोड नियर पार्क के सामने आप हर तरह के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉल्फिन होटल का ओनर विनोद राय। बीरपड़ा में जो डॉल्फिन होटल है, आप लोग इस रास्ता से गुजरे तो आने का कृपा करें। आप लोग का हर वैरायटी का टेस्ट मिलेगा, वेज नॉन वेज और तंदूरी आइटम भी मिलेगा। आप लोग एक बार आने का कृपा करें, एक बार आएगा तो आप ऐसा टेस्ट देंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेगा और दोबारा पक्का यहाँ आएगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है। नमस्ते। पीते रहिए प्यूरिफायर फीजी एक्वा का पानी और स्वस्थ रहिए। डीलरशिप और कमर्शियल जानकारी के लिए संपर्क करें। द्वारस इलाके में ही फीजी एक्वा के माध्यम से शुद्ध जल आप प्राप्त कर सकते हैं।